लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने अपने पत्ते खोल रही है और आज हम बात करने वाले हैं जेजेपी की। जी हाँ, बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद अब जेजेपी ने भी मन बना लिया है कि वो लोकसभा में भी अब वो रणघोष करेंगे और लोकसभा के अंदर भी वो अपने प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। और आज हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चर्चा करेंगे, कहाँ से कौन उम्मीदवार उतरने वाला है, क्योंकि कुछ जानकारी वो हमारे पास आ चुकी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। मेरे साथ मौजूद हैं खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी। जेजेपी ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और एक रणघोष की तैयारी कर दी है कि हम भी अब लोकसभा के चुनाव मैदान में उतरेंगे। जी हाँ अरुण, जो दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो जेजेपी ने उसके हिसाब से तैयारी कर ली है और जेजेपी ने 10 में से 8 सीटों के प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं। बाकी 2 और प्रत्याशियों के अगले 1-2 दिन के अंदर फाइनल होने की पूरी उम्मीद है। ये सूची हम आपको जो बता रहे हैं, ये सूची अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन 99% ये सूची फाइनल आप कह सकते हैं। ये चेहरे ही आपको चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जेजेपी के वोट बैंक को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। हम आपको बता दें कि जो सबसे पहले हम सीट शुरू करते हैं अंबाला से, अंबाला सीट के ऊपर कुसुम सेरीवाल जेजेपी की प्रत्याशी होंगी। उनके पति भी बड़े नेता हैं जेजेपी के, तो एक महिला कोटा और प्लस में एक अपने निष्ठावान साथी को टिकट देकर दुष्यंत चौटाला वहाँ सबसे ज़्यादा वोट देने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वैसे भी कुसुम सेरीवाल से बेटर वहाँ पर चेहरा कोई उसके पास नहीं है। तो दूसरा चेहरा, उसके बाद हम आते हैं कुरुक्षेत्र सीट पर। कुरुक्षेत्र सीट पर जेजेपी के टिकट के लिए अभी मारामारी मची हुई है और यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला अभी फाइनल नहीं कर पाए हैं कि वो वहाँ पर किसको टिकट देने का काम करेंगे। उसका फैसला 2 दिन में होगा। करनाल सीट के ऊपर जेजेपी ने एक रोड चेहरे पर दाव लगाने का काम किया है। उनके एक पदाधिकारी हैं बलजीत तोरण और वो कहीं ना कहीं जेजेपी की तरफ से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो जेजेपी भी ये देख रही है कि वो जातीय समीकरणों के हिसाब से वो क्या करें। लगभग 1.25 लाख के करीब जो रोड वोटर हैं करनाल सीट पर हैं, कहीं ना कहीं उनके मद्देनजर रखते हुए जेजेपी ने इनेलो से पहले कार्ड खेला है, ताकि कहीं पर अगर इनेलो रोड प्रत्याशी दे देगी तो समीकरण बिगाड़ने के लिए ही जेजेपी ने बलजीत तोरण को टिकट देने का काम किया है। सीट के ऊपर हम कह सकते हैं कि जेजेपी एक ऐसे युवा चेहरे को टिकट दे सकती है जिसके बारे में अभी किसी ने सोचा नहीं है। वो अभी दौड़ में शामिल भी नहीं है, क्योंकि उनके पिता जहां भूपेंद्र मलिक जेजेपी के बड़े चेहरे हैं, नेशनल पद के ऊपर भी हैं, वहीं केसी बांगड़ भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, राज सिंह दहिया भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सुमित राणा भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यानी भूपेंद्र मलिक के बेटे साहिल मलिक को जेजेपी टिकट देने की घोषणा कर चुकी है, उनका ऐलान कुछ दिनों में हो सकता है। अगली सीट है रोहतक। रोहतक सीट के ऊपर सबसे बड़े गांव मोखरा के रहने वाले हरज्ञान मोखरा को जेजेपी टिकट देने जा रही है। वो पिछली बार मेमसाहेब चुनाव भी लड़े थे, उससे बेहतर कोई चेहरा दुष्यंत चौटाला के नजर नहीं आया है और इसलिए हरज्ञान मोखरा पर ही दाव लगाने का फैसला किया गया है। फरीदाबाद सीट के ऊपर एक जाट चेहरे को चुनाव मैदान उतारा गया है। आप देखिए कि फरीदाबाद सीट के ऊपर आमतौर पर आप देखिए कि बैंदा के बाद, रामचंद्र बैंदा के बाद कोई जाट चेहरा वहाँ पर नहीं आया है। बैंदा बीजेपी से एमपी बनते थे, लंबे समय के बाद जेजेपी ने नलील हुड्डा, जो उनके युवा इकाई के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। गुरुग्राम सीट पर एक असर हुआ अरुण, कि जिस सीट के ऊपर आपके 5.5 लाख मुस्लिम वोटर हों, जहाँ पर आपके 2 लाख जाट वोटर हों, वहाँ पर जो है शैलजा भाटिया के तौर पर जेजेपी ने एक महिला नेत्री पर दाव लगाने का काम किया है। वो युवा भी हैं, वो महिला भी हैं। ये भी कह सकते हैं कि जेजेपी हरियाणा की एकमात्र ऐसी पार्टी है जो लगभग 33% जो सीटें हैं महिलाओं को दे रही हैं। तीसरी महिला हो सकती है हिसार से नैना चौटाला, वो फाइनल भी हैं। हम चर्चे काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कि नैना चौटाला ही हिसार से चुनाव लड़ेंगी, वो रणजीत सिंह के सामने और अपनी देवरानी सुनैना चौटाला के सामने ताल ठोकना काम करेंगी और अपने बेटे की सीट के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल करने के लिए प्रयास करेंगी। यानी जेजेपी हरियाणा की इकलौती ऐसी पार्टी है जो 3-3 महिलाओं को टिकट दे रही है, महिलाओं को भी और युवाओं को भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम बात करते हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की। वहाँ पर पहले श्री राव बहादुर सिंह के तौर पर पार्टी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। सिरसा में एक ऐसे चेहरे को जो टिकट दी गई है जो आपके जिले से संबंध रखते हैं, यानी रमेश खटक को, रमेश खरोदा हल्के से लगातार विधायक रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनको जो है आप देखिए कि इस चुनाव में अभी तक ना तो बीजेपी ने किसी धानक समाज के नेता को टिकट दी है और ना ही लगता कि कांग्रेस भी किसी धानक समाज के नेता को टिकट देगी। तो यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला ने धानक समाज के नेता रमेश खट्टक को सिरसा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है।
बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। दुष्यंत चौटाला ने सोच समझकर चौके छक्के अपने तैयार कर लिए हैं और बैटिंग के लिए पूरे तरीके से तैयार हो गए हैं। युवाओं की बात करें या महिलाओं की बात करें या फिर जातीय समीकरण की बात करें, वो सभी जो है वो परफेक्ट परफेक्शन के साथ उन्होंने प्लेस कर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह का कमाल रहने वाला है। वैसे एक आकलन किया जाए तो क्या कुछ रह सकता है दुष्यंत चौटाला के इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, दुष्यंत चौटाला के लिए चुनाव बेहद मुश्किल है, उसके लिए किसी सीट पर जीत के आसार नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो कितनी सीटों पर जमानत बचा सकते हैं, क्योंकि आप देखिए पिछली बार जो लोकसभा चुनाव थे उसमें दुष्यंत चौटाला के प्रति एक पॉजिटिव मूवमेंट था। उस मूवमेंट में भी आप देखिए सिर्फ हिसार में उनकी जमानत बच पाई थी, बाकी सीटों पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में भी उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, तो वही हालात सेम रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिसार में नैना चौटाला के जरिए जेजेपी अपनी जमानत बचाने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बिल्कुल बड़ी बात है। तो ये तो थी जेजेपी की लगभग फाइनल लिस्ट। क्या सोचते हैं आप इन प्रत्याशियों के बारे में? जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने प्लेसमेंट की है युवाओं की, महिलाओं की और कास्ट फैक्टर्स की, इसको लेकर के क्या कुछ आप लोगों का कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लगातार अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ।